आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के महाराष्ट्र और पुणे दौरे पर हैं। आपको बता दें कि यहां प्रधानमंत्री के छत्रपति शिवाजी के एक भव्य स्मारक और उसके साथ ही पुणे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखने की योजना है। ये योजना 10 से लंबित है, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री शाम को रखेंगे। पुणे के एग्रीकल्चर ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल होंगे। इनके साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। बीजेपी के द्वारा एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें करीब 1,00,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए शहर के ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दें कि पुणे प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में काफी तनातनी चल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की आधारशिला रखने से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने इसका भूमि पूजन किया था। इसके भूमि पूजन को लेकर पुणे के कांग्रेस अध्यक्ष रमेश बागवे ने कहा कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी कांग्रेस की सरकार के दौरान ही मिली थी, इसलिए इस पर पहला हक तो कांग्रेस का ही है। प्रधानमंत्री के हाथों पुणे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखे जाने के बाद इस पर अमल करने का जिम्मा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। इसके अलावा अब नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पुनर्गठन करके बनाया जा रहा है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुणे समेत सभी मेट्रो प्रोजेक्ट्स का काम करेगा। इसके साथ ही पुणे प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में पूरा किए जाने की तैयारी है। वहीं छत्रपति शिवाजी के स्मारक की जगह मुंबई के अरब सागर में समुद्र तट से 1.5 किलोमीटर अंदर होगी, जिसमें छत्रपति शिवाजी की विशालकाय मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसकी घोड़े समेत ऊंचाई 630 फीट की होगी, जिसमें शिवाजी के पुतले की लंबाई केवल 375 फीट की है। यह स्मारक 32 एकड़ के चट्टानों पर तैयार किया जाएगा, जहां पर लोगों के घुसने की भी पूरी सुविधा मौजूद होगी। आपको बता दें कि शिवाजी की ये मूर्ति ऊंचाई के लिहाज से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से काफी ऊंची होगी। यही नहीं, स्मारक पर मंदिर, लाइब्रेरी, एम्फीथिएटर, फूड कोर्ट, ऑडियो गाइडेड टूर जैसी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। टॉप न्यूज से प्रिया की रिपोर्ट।